आपका परमिशन नहीं है सर, परमिशन बिना परमिशन के चैंबर में जी हाँ, भागलपुर जिले के सोनहौला प्रखंड अंतर्गत पोठिया गांव में सरकारी स्कूल की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। स्कूल के चार दीवारी एवं रूम के दरवाजे में ताला नहीं रहने के कारण कचरा व शौच से रूम भरा हुआ है। जब इसकी सूचना हमारे रिपोर्टर को मिली तो इस स्कूल पहुंचे और स्कूलों की परिस्थिति को दिखाना शुरू किया। स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक अनिवार्य है, लेकिन इस स्कूल में एक भी शिक्षक मौजूद नहीं थे। जब प्रधानाध्यापक मोहम्मद कलामुद्दीन से रिपोर्टर की फोन पर बात हुई तो उन्होंने चिकित्सक के यहाँ जाने की बहाना बना लिया। हेलो 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 बोलो। हम न्यूज रिपोर्टर बोल रहे हैं भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से। बोलो सर। बोल रहे थे कि आप लोग का स्कूल में कै बजे तक ड्यूटी है रहने का? देखते हैं कोई नहीं है स्कूल में। अभी निकले भाई, वो फीवर हमको काफी आ गया, दो तीन स्टाफ ज्यादा फीवर आ गया, ढाई ढाई। अभी तो आप निकले फिर जाएंगे तो समाओगे। क्या को फीवर आ गया, पूरा फीवर आ गया। क्या को इसका था स्टाफ का आज ड्यूटी? पाँच ठो था आज। आज पाँच ठो का था। हाँ जी, अभी कै बजे तक था? कै बजे तक था? निकले अभी, अभी रास्ते में सुया लेने के लिए जाएंगे। नहीं आप टाइम बताइए ना, कै बजे तक था आपका ड्यूटी? पांच को जो टीचर था उनका कै बजे तक ड्यूटी था? 9 से 4 तक रहेगा। अभी 9 बजे से 4 बजे तक, यही ना? जी हाँ। हो तो अभी तो 1:30 लगभग बजा है और यहाँ पे एक भी टीचर नजर नहीं आ रहा है ना। अभी काम भी दवा लेकर फिर हम जाएंगे सुबह तक। और आपके स्कूल में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है? विद्या का मंदिर कहलाता है स्कूल, और जाकर के इतना गंदगी फैला हुआ है स्कूल में, बताइए ये सब होना चाहिए? है भाई, ठीक खबर सुनिए नी। होता क्या है वहाँ? जब इसका स्पष्टीकरण पूछने के लिए रिपोर्टर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास पहुँचे तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। साथ ही पत्रकारों से मनमाना ढंग से बात किया और कहा हमसे बात करने के लिए किससे परमिशन लिए हैं, पहले परमिशन लो उसके बाद बात करने आना। अब सवाल यह बनता है कि सुशांत बाबू की सरकार में सरकारी कर्मी ही कानून का पालन नहीं कर रहे हैं तो आम आदमी पर इसका असर क्या पड़ेगा। जब हमारे संवाददाता जिला शिक्षा पदाधिकारी से फोन कर बात किए और इसके बारे में बताया तो उन्होंने जल्द ही कार्रवाई करने की बात कही। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर बिहार, मैं हूँ रूपेश कुमार राज। आज हम भागलपुर जिले के सनौला प्रखंड अंतर्गत पोठिया में उपस्थित हैं, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि एक स्कूल जो कि विद्या का मंदिर कहा जाने वाला स्कूल, और उनका स्थिति इस तरह से हो गया है कि आज आप कह सकते हैं कि कचरे का मंदिर इनको देखने से ये लग रहा है। एक विद्या के मंदिर में इस तरह से कचरा और इस तरह से गंदगी, वो भी जबकि समय है सभी टीचर का कि 9 बजे से 4 बजे तक विद्यालय में उपस्थित रहने का, लेकिन अभी महज 1:30 बज रहा है और एक भी टीचर उपस्थित यहाँ पे नहीं है। तो ये है संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय पोठिया, और लिखा है प्रखंड सनहोला जिला भागलपुर। आपको मैं यहाँ का स्थिति दिखाता हूँ, क्या है यहाँ का स्थिति। देखिए, सबसे पहले तो इसको देखिए, उसके बाद रूम का हालात देखिए क्या है, दिखाइए रूम। ताला लगने का लगा हुआ है, फिर भी इतना बचत करता है यहाँ का टीचर, एक इसमें ताला नहीं लगा सकता है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें टीचर का नाम भी लिखा हुआ है, संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय पोठिया प्रखंड व अंचल सनहुला भागलपुर
यहाँ का जो वर्तमान में संकुलाध्यक्ष का नाम में लिखा गया है मोहम्मद कलामुद्दीन, और संकुल संसाधन केंद्र में समन्वयक का नाम है संतोष कुमार। इन लोगों का यहाँ पे ड्यूटी है, लेकिन ये जो है स्कूल का खत्म होने का टाइम भी नहीं हुआ है और ये स्कूल से फरार है। आप जान सकते हैं जब सरकार की गाइडलाइन है कि 9 बजे से 4 बजे तक विद्यालय में उपस्थित रहने का टीचर को, और इस हालात में ये टीचर छोड़ के चला जाता है तो स्कूल का स्थिति क्या होगा, आइए दिखाते हैं। देखिए ये है ऊपर जाने का, और यहाँ पे देखिए किस तरह का ये कचरा का भरमार लगा हुआ है, इस स्थिति देखिए। आइए इधर, देखिए इनका स्थिति क्या है। इस जगह से टीचर लोग ऊपर जाते हैं, और ऊपर का तो अभी फिलहाल यहाँ पे अब ताला खुलता है कि नहीं खुलता है, इसमें जंग इतना लगा हुआ है, और ये सीढ़ी है इस पे गंदगी है, और इधर साइड में बाथरूम वगैरह का है, तो देख सकते हैं कि आप स्थिति कितना खराब है बिहार सरकार का, बिहार सरकार के इस स्कूल का। आप समझ सकते हैं कि आखिर विद्या के मंदिर का इस तरह से हालात रहेगा तो आगे क्या होगा, कैसे बच्चे का विकास होगा, जहाँ पे लिखा हुआ रहता है सब पढ़े सब बड़े हैं, और इस मंदिर में विद्या के मंदिर में इस तरह से गंदगी फैला हुआ रहेगा और समय तक टीचर उपस्थित नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि अपनी इस व्यवस्था को दुरुस्त करें ताकि स्वास्थ्य शिक्षा जिस तरह से कहा जाता है वो हकीकत में लागू हो। धन्यवाद। देखिए भागलपुर से रुपेश कुमार राज की रिपोर्ट।